Your Excellency President Cyril Ramaphosa Ji, President Temer, President Putin, President Xi Jinping, आज दुनिया अनेक प्रकार से बदलावों के चौराहे पर है. नई औद्योगिक टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटरफेस जिस नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं वह एक अवसर भी है और एक चुनौती भी है. नई प्रणालियां और उत्पादों से आर्थिक प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे. विकास और प्रगति के केंद्र में हमेशा लोग और मानवीय मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है. इसलिए टेक्नोलॉजी जगत में चौथी औद्योगिक क्रांति के उन परिणामों पर भी हमें गंभीर विचार करने की जरूरत है. जो हम जैसे देशों की जनता और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे. इंडस्ट्री 4.0 का एक स्वागत योग्य परिणाम होगा अधिक नजदीकी संपर्क. द वर्ल्ड विल बी फ्लैटर, जो इसका लाभ उठा सकेंगे वे अधिक प्रगति कर सकेंगे. अनेक वंचित वर्ग टेक्नोलॉजी और विकास की कई अवस्थाओं के पार बड़ी छलांग लगा पाएंगे. परंतु बढ़ती असमानताएं और तेज परिवर्तनों का समाज पर और मानवीय मूल्यों पर क्या प्रभाव होगा यह कहना मुश्किल है. फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पूंजी से ज्यादा महत्व प्रतिभा का होगा. हाई स्किल परंतु अस्थाई वर्क रोजगार का नया चेहरा होगा. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में मौलिक बदलाव आएंगे. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑटोमेशन और डेटा फ्लोज से भौगोलिक दूरियों का महत्व कम हो जाएगा. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स और मार्केट प्लेसेस जब ऐसी टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे तो एक नए प्रकार के इंडस्ट्री और बिजनेस लीडर्स सामने आएंगे. वे जिस प्रकार से और जितनी तेजी से जितनी संपत्ति, संसाधनों और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं या नियंत्रण खो सकते हैं वह मानव के इतिहास में पहले कभी संभव नहीं था. हम यह नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि जो भी होगा गहरा और गंभीर होगा. ऐसे में मैं मानता हूं कि ब्रिक्स फ्रेमवर्क में हमारी चर्चा हमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए तैयार करने में मदद करेगी. हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि हम आने वाले समय के लिए अपने आप को किस तरह अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं. एक अहम सवाल रोजगार के प्रकार और अवसरों का होगा. जहां तक हम देख सकते हैं ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग हमारे युवाओं के लिए रोजगार का एक प्रमुख जरिया बनी रहेगी, दूसरी ओर हमारे वर्कर्स के लिए यह अत्यंत आवश्यक होगा कि वे अपनी स्किल्स में बदलाव ला सके. इसलिए शिक्षा और कौशल विकास के लिए हमारे नजरिया और नीतियों में तेजी से बदलाव लाना होगा. स्कूल और यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम को इस तरह बनाना होगा जिससे ये हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर सके. हमें बहुत सजग रहना होगा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने वाले तेज बदलाव कम से कम उसी गति से पाठ्यक्रमों में स्थान पा सके. भारत में इस उद्देश्य के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत की गई है. इसका उद्देश्य हमारे युवाओं को रिलेवेंट टेक्निकल और वोकेशनल स्किल प्रदान करना है. हमारी सरकार का जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि एफोर्डेबल और क्वालिटी टेक्निकल वोकेशनल तथा उच्च शिक्षा तक महिलाओं, पुरुषों और समाज के
सभी वर्गों की समान रूप से पहुंच हो। एक्सेलेंसीज, नए अवसरों का उचित उपयोग, एक और रोजगार मांगने वालों को रोजगार देने वाला बना सकता है, वहां दूसरी ओर रोजगार विहीनों के लिए सामाजिक सुरक्षा की सशक्त व्यवस्था अनिवार्य होगी। सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी से डिजिटल युग में स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी सुनिश्चित होगी। एक्सेलेंसीज, बेहतर सर्विस डिलीवरी, प्रोडक्टिविटी लेवल्स बढ़ाने और लेबर इश्यूज के बेहतर मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस सहायता कर सकते हैं। भारत में हमारा अनुभव इस मामले में बहुत सकारात्मक रहा है। श्रम कानूनों का पालन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अनेक सरकारी योजनाओं का लाभार्थियों को सीधा भुगतान टेक्नोलॉजी द्वारा बेहतर डिलीवरी का उदाहरण है। आज के समय में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा डिसरप्टर बन चुकी है। इंडस्ट्री 4.0 के परिणामों की कल्पना करना भी मुश्किल है। इस प्रकार के डिसरप्शन से ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन को बेहतर मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के माध्यम से मैनेज करना होगा। खासतौर पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियां से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने के महत्व से हम सभी भली भांति परिचित है। इंडस्ट्री 4.0 इन चुनौतियों और जरूरतों को और भी बढ़ा देगा। भारत फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के विषय पर ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इस संबंध में हमें मिलकर बेस्ट प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज साझा करनी चाहिए। आजकल हो रहे और भविष्य में होने वाले टेक्नोलॉजी परिवर्तनों का ब्रिक्स देशों और पूरी दुनिया के लिए महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे मंत्री इस विषय पर और विस्तार से विचार करें और आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की भी मदद लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।